पार्ट सिस्ट लीक, ये कहाँ बना? जर्मनी में बना, जर्मनी में। क्यों बना था मालूम है? लीक, ये लीक इसलिए बना था, जो क्या डिमांड कर रहा था, मतलब जर्मनी में, जर्मनी का कंडीशन तो बहुत खराब हो गया, तो इसका मेन डिमांड क्या था? ये मेन डिमांड यही कर रहा था कि यहाँ पे क्या बने, बोल्शेविक का जैसा गवर्नमेंट बने। अब हम लोग बोल्शेविक का बारे में पढ़ा, लेसन क्यों भी पढ़ा ना बोल्शेविक का बारे में। ये लोग बोल रहा था कि गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए जो बोल्शेविक जैसा होना चाहिए। बोल्शेविक गवर्नमेंट कहाँ पे था? रशिया में था। तो ये लोग क्या डिमांड कर रहा है? जर्मनी में भी क्या बन जाए? बोल्शेविक गवर्नमेंट। तब जाकर के क्या हो सकता है? रशिया का कंडीशन नहीं, जर्मनी का कंडीशन ठीक हो सकता है, ठीक हो सकता है। उनका मेन डिमांड स्पार्सिस्ट लीग क्यों बना? टू सेट अप बोल्शेविक गवर्नमेंट्स इन रशिया व्हिच वाज वर्किंग वेरी वेल इन रशिया, टू सेट अप बोल्शेविक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी व्हिच वाज सक्सेसफुल इन रशिया। रशिया को ये गवर्नमेंट ने बहुत सक्सेसफुल बना दिया था, रशिया का डेवलप कर दिया था। तो ये लोग भी बोलते हैं, ये कुछ आदमी लोग एक ग्रुप बनाया, इसका नाम क्या रखा है? लीग, स्पार्सिस्ट लीग। इसका मेन मोटो क्या है? बोल्शेविक गवर्नमेंट को सेटअप करना है। कहाँ पे? कहाँ पे? जर्मनी में, जर्मनी में सेटअप करना है। क्यों क्यों सेटअप करना है बोल्शेविक गवर्नमेंट? अगर क्वेश्चन आता है क्यों द पीपल इन जर्मनी वांटेड टू सेटअप बोल्शेविक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन रशिया, बिकॉज जर्मनीज कंडीशन वॉज वेरी माइजरेबल, जर्मनीज इकोनॉमिक वॉज डिक्लाइनिंग डे बाई डे, जर्मनी इन जर्मनी लॉट्स ऑफ पीपल वर अनएम्प्लॉयड, और ये जो बोल्शेविक टाइप का गवर्नमेंट था ये सक्सेसफुल हो गया था। कहाँ पे सक्सेसफुल हो गया था? ये जो है रशिया में सक्सेसफुल हो चुका था। तो फिर रशिया में भी बहुत सारा सोवियत बनने लगा। सोवियत क्या आप लोगों को पता है? सोवियत क्या है? बहुत सारे यूनियंस ना जो रशिया में बना हुआ था। तो यहाँ पे भी बहुत सारा सोवियत बनने लगा, ताकि रशिया जर्मनी में क्या बना सके? लोग ऐसा गवर्नमेंट बना सके जो बोल्शेविक जैसा दिखता है। अब ये हम लोग तीनों पढ़ चुका है, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स कैथोलिक्स, ये हम लोग पढ़ चुका है। ये लोग कौन था, किसका सपोर्टर, किसका सपोर्टर? वाइमार रिपब्लिक का सपोर्टर। और वाइमार रिपब्लिक है क्या? हाँ बोलो, जोर से बोलो, यू भी बोलो, वाइमार रिपब्लिक गवर्नमेंट। हाँ, ये न्यू फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कहाँ का फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट? जर्मनी का पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। कब से? तो पता 1918 का टाइम में, 1918। और इसी ने जो पहला काम किया था मालूम है, जर्मनी में आकर के गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या किया था? जर्मनी को आउट कर लिया था, किससे? वर्ल्ड वार से। हाँ। निकलवाया था। कैसे आउट किया था? कौन सा ट्रीटी साइन किया था? ट्रीटी ऑफ वर्सलेस साइन किया था इसी ने। तो रशिया को वार में ले जाने वाला कौन? एम्परर, राजा। और वार से निकालने वाला कौन? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसका नाम था वाइमार रिपब्लिक। ठीक है, तो ये वाला स्पार्सिस्ट वाला वाइमार रिपब्लिक का सपोर्टर होगा या एनिमी होगा? ये सपोर्टर होगा या एनिमी होगा? सपोर्टर होगा। ये तो बोला जर्मनी में, तभी आदमी लोग का प्रॉब्लम सारा दूर हो सकता है, सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। तो एक तरफ कौन है? ये अगेंस्ट वाइमार रिपब्लिक है, अगेंस्ट वाइमार रिपब्लिक का अगेंस्ट में है। और ये कौन है? डेमोक्रेट्स कैथोलिक्स सोशलिस्ट, ये लोग कौन है? सपोर्टर है वाइमार रिपब्लिक का। क्यों सपोर्टर है? क्योंकि इन लोगों को लगता है वाइमार रिपब्लिक अभी न्यू है, ये आगे जाकर के अच्छा काम करेगा और पीपल लोग के लिए काम करेगा, क्योंकि ये पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, इसको टाइम देना चाहिए, इसको हटाना नहीं चाहिए। तो ये लोग गुस्सा होकर के क्या सेटअप किया? कम्युनिस्ट पार्टी बनाया खुद का, कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों कम्युनिस्ट पार्टी बनाया? ताकि जो है ये गवर्नमेंट को हटा सके और क्या ला सके? बोल्शेविक का जैसा गवर्नमेंट यहाँ भी सेटअप कर सके। तो ये लोग बनाता है कम्युनिस्ट पार्टी और रिवोल्ट करने लगा किसके खिलाफ? वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ। वाइमार रिपब्लिक के खिलाफ क्यों रिवोल्ट करने लगा? क्वेश्चन ऐसा आ गया तो व्हाई द स्पार्सिस्ट कम्युनिटी और द कम्युनिस्ट पार्टी विच वाज सेट अप इन जर्मनी व्हाई इट स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट वाइमार रिपब्लिक। तो क्यों रिवोल्ट स्टार्ट करने लगा? रीजन होना चाहिए। पहला रीजन क्या होगा? क्योंकि इन लोग को लग रहा था कि जो गवर्नमेंट था वाइमार रिपब्लिक, इट वॉज अनेबल टू, क्या अनेबल टू? ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट नहीं कर सकता, इसको हटाना ही पड़ेगा, इसीलिए ना लोग रिवोल्ट करने लगा। दूसरा, इन लोग को लगा कि वाइमार रिपब्लिक जो है सबको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा, ये फेल हो रहा है, आदमी लोग का कंडीशन खराब होते जा रहा है, इसलिए लोग क्या डिसाइड किया कि हम लोग को इस गवर्नमेंट को हटाना है। इन लोगों को लग रहा था कि रशिया का बोल्शेविक टाइप का गवर्नमेंट ही यहाँ का कंडीशन को ठीक कर सकता है,
ये तीन रीजन था, तीन नहीं बहुत सारा था, मुझे तीन ही जानना है क्योंकि एग्जाम में तीन ही पूछेगा। इसीलिए क्या हुआ कि ये लोग क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट किया वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ। तो कौन रिवोल्ट स्टार्ट किया? स्पार्सिस्ट लीग वाला ने। क्यों? क्योंकि जर्मनी का कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन दिन बाय दिन एवरीडे इट वाज गोइंग डाउन ओनली, एंड द पीपल हु वर इन स्पार्सिस्ट लीग दे वांटेड टू ब्रिंग बोल्शेविक टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी बिकॉज दे बिलीव दैट बोल्शेविक गवर्नमेंट वाज गोइंग टू ब्रिंग हैप्पीनेस इन जर्मनी। थर्ड वन, दे रियलाइज दैट द वाइमर रिपब्लिक वाज कंप्लीटली फेल्ड इन गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। तो जब रिवोल्ट स्टार्ट करने लगा है लोग कम्युनिस्ट पार्टी वाला लोग, तो ये लोग जो है ना, इन लोग का गवर्नमेंट का हेल्प करने को आया, मालूम है? फ्री कॉप्स लोग हेल्प करने आया गवर्नमेंट का। अब फ्री कॉप्स लोग कौन था? कॉप्स मतलब होता है सोल्जर, फ्री कॉप्स मतलब जो जर्मनी को क्या कर दिया था, डीमिलिट्राइज कर दिया था। जर्मनी को अलाउड नहीं था क्या रखना, आर्मी रखना। तो जब डीमिलिट्राइज किया तो आर्मी में जो लोग काम कर रहा था वो कहाँ चला गया? वो लोग तो मर नहीं गया होगा, जर्मनी में ही रहा होगा। और ये लोग तो सोल्जर हो तो सोल्जर जैसे ही काम करेगा ना। ये लोग जो हेल्प किया गवर्नमेंट को, ये लोग सोल्जर था जो पहले आर्मी में था, बिना किसी सैलरी का, बिना किसी उसका, ये लोग आर्मी जैसे ही काम कर रहा था। तो ये लोग किसको हेल्प किया? वाइमर रिपब्लिक को। और इन लोग का रिवोल्ट को, कम्युनिस्ट पार्टी का रिवोल्ट को खत्म करा दिया। क्वेश्चन आएगा, हु वर फ्री कॉप्स? फ्री कॉप्स वेर दोज पीपल अर्लियर हु वर्कड इन जर्मन आर्मी, बट वेन जर्मनी वॉज डीमिलिटराइज अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्सलेस दे वर डूइंग देयर ड्यूटी बट विदाउट एनी मर्थ। तो लोग किसको सपोर्ट किया है? ये लोग वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट किया। 1923 इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया जर्मनी में। इकोनॉमिक क्राइसिस क्यों आया पता है? गवर्नमेंट ने क्या किया ना, जर्मनी ने बहुत सारा पेपर मनी को प्रिंट कर दिया, पेपर मनी या पेपर करेंसी भी बोल सकता है, करेंसी को बहुत ज़्यादा प्रिंट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, अमेरिका का एक डॉलर ना, जर्मनी का क्या है मालूम है करेंसी? मार्क, MARK, मार्क है वहाँ का करेंसी, मार्क था उस समय। तो एक डॉलर का लगभग 1 करोड़ तक जो वैल्यू चला गया, इतना ज़्यादा हो गया। हर दिन जो खराब होता था, एक ब्रेड खरीदने के लिए ना एक गाड़ी भर के पैसा लेके जाना पड़ता था, एक ब्रेड खरीदने के लिए, ऐसा कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन को क्या बोलता है? हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्वेश्चन आएगा ही, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ करेंसी गोज डाउन एंड द प्राइजेस इंक्रीज, प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीज। उस सिचुएशन को क्या बोलता है? हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज ए सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्लाइंस एंड द प्राइजेस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस। इसी को क्या बोलता है? हाइपर इन्फ्लेशन। तो जर्मनी में क्या आ गया? हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, हाइपर इन्फ्लेशन। 1929 में वर्कर लोग का जॉब जो है लॉस होने लगा, ठीक है। एक पीरियड था 1924 से 1929 तक ना, इस समय जो है स्टेबिलिटी आया था, मतलब कंडीशन और ख़राब नहीं हो रहा था जर्मनी का। क्यों पता है? क्योंकि ये कंडीशन देख करके ना यूरोप जब देखा आदमी लोग कि जर्मनी में ऐसा हाल हो गया है, एक ब्रेड खरीदने के लिए गाड़ी भर के पैसा लेके जाना पड़ रहा है, तो अमेरिकन लोग को, इंग्लैंड लोग को दुख लगा, इन लोग को बहुत ज़्यादा दुख लगने लगा जर्मनी का। तो अमेरिका क्या किया मालूम है? इन लोग को शॉर्ट टर्म लोन देना स्टार्ट किया। कौन सा लोन? शॉर्ट टर्म लोन। ये कौन सा लोन होता है? ये ऐसा लोन होता है जो कम समय के लिए दिया जाए, शॉर्ट टर्म लोन देने लगा और कम इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट भी कम चार्ज कर रहा था। तो ये जो है अमेरिका का हेल्प से इसका जर्मनी का कंडीशन क्या हुआ? स्टेबल, और ख़राब नहीं हुआ, इम्प्रूव तो नहीं हुआ, ख़राब भी नहीं होता है। लेकिन 24 अक्टूबर 1929 ऐसा समय था जब अमेरिका में खुद ही जो है ये ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड स्टार्ट हो गया अमेरिका में खुद ही। एक दिन में ना आदमी ने वहाँ पे कितना 13 मिलियन शेयर बेच दिया था 24 अक्टूबर 1929 को। तो अमेरिका में क्या हो गया? डिप्रेशन में चला गया। जब अमेरिका डिप्रेशन में चला गया तो ये लोन उससे वापस मांग लिया। जब ये लोन वापस मांगने लगा तो यहाँ का सारा डेवलपमेंट फिर खत्म। आदमी लोग फिर से अनएम्प्लॉयड, बैंक्स बंद हो गया जर्मनी का, क्योंकि लोन जितना भी लिया था अमेरिका से उसने वापस मांग लिया, तो इसका कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाता है। और यूएस का इनकम खुद हाफ हो गया 1929 में, हाफ हो गया 1929 से 1932 का बीच में यूएस का इनकम क्या हो गया? आधा हो गया, आधा। अब जो है जर्मनी का कंडीशन और ख़राब, वर्कर लोग का जॉब लॉस्ट हो गया,
एग्रीकल्चर प्राइसेस, एग्रीकल्चर में जो भी काम कर रहा है उसको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, आदमी का पास आदमी लोग जो है खरीद ही नहीं रहा कोई भी सामान, तो आदमी लोग क्या करने लगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने जाकर के बैठा था दिन भर। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है मालूम है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अभी इंडिया में भी है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऑफिस होता है जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब निकलता है ना तो इन लोग को बताना पड़ता है, और इन लोग के पास सभी आदमी लोग का एप्लीकेशन होता है, फ़ोन नंबर होता है, सब कुछ होता है। तो जॉब का हिसाब से ये लोग खुद ही कॉल कर देता है आदमी को कि ऐसा जॉब आया हुआ है आप अप्लाई कर देना। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने बहुत सारे आदमी लोग बैठा देता दिन भर कि कभी तो काम मिल जाए। आदमी लोग रोड में ना खड़ा होने लगा, क्या क्या करके खड़ा होने लगा मालूम है, रोड में लोग आदमी लोग खड़ा होने लगा, गला में एक पट्टा डाल करके उसके ऊपर क्या कुछ लिखा होता था मालूम है, क्या लिखा होता था, विलिंग टू डू एनी वर्क, विलिंग टू डू एनी वर्क, मतलब कोई भी काम करने के लिए विलिंग है, मतलब रेडी है, विलिंग टू डू एनी वर्क, ऐसा लिख कर प्ले कार्ड, PLA कार्ड CARDS इसको बोला जाता है, कार्ड रख करके ना ऐसे विलिंग टू डू एनी वर्क। ये हालत हो गया, दिन भर रात भर रोड में रहता था कि कोई भी काम मिल जाए, करने को रेडी था। जर्मनी का आदमी लोग, हाँ 1929 के बाद, क्यों 1929 के बाद अमेरिका ने जो लोन दिया था वापस ले लिया, अब कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, तो ये लोग इस तरह से खराब मिला। जब 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 जॉब नहीं मिलने लगा यंग लोग को ना, यूथ लोग को, तो लोग क्या करने लगा, दिन भर कार्ड खेलने लगा, कार्ड रोड में बैठ करके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने लोग क्या करते थे, कार्ड। और जब जब काम नहीं मिला बहुत दिन तक, तो लोग क्रिमिनल एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जैसे कोई चोरी करने लगा, कोई किसी का मर्डर करने लगा पैसा के लिए, ये सब करने लगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब क्या हुआ, जर्मनी ने मना कर दिया, बोला कि अब हम लोग हम जो फाइन लगाया है वो नहीं दे सकते। और जब फ्रांस जो है, और जो है वो रूर जो एरिया था ना, वो एरिया में जब फ्रांस जो कोल लेने आए ना ये लोग, तो मना कर दिया, बोला क्योंकि एग्रेसिव होकर मना किया, बोला नहीं ले जाने देगा, क्योंकि जर्मनी को पता हो गया था कि अब इन लोग का इकोनॉमिक कंडीशन तभी ठीक हो सकता है जब इन लोग का कोल आयरन वगैरह इन लोग को ही यूज़ करने के लिए मिले। तो ये लोग जो है अब रेफ्यूज, अब जर्मनी लोग समझ गए थे, जर्मन का आदमी लोग, कि ये सब फाइन दे करके बिना आयरन का बिना कोल का हम लोग का कुछ नहीं होगा, इसलिए वो लोग मना करने लगा। और अमेरिका का कंडीशन खुद ही खराब है, तो 1929 में इस तरह से जो है कंडीशन था किसका, जर्मनी का। और यही कंडीशन जो है बहुत हेल्पफुल हुआ किसके लिए, हिटलर को। हिटलर यही सब कंडीशन, आदमी डिप्रेस हो गया जर्मनी में, लगने लगा कि कंडीशन ठीक ही नहीं होगा, डिप्रेस हो गया, डिप्रेस, होप नहीं है कि कंडीशन ठीक होगा, इसलिए हिटलर का जो है, हिटलर आगे बढ़ करके आता है और हिटलर पावरफुल हो जाता है जर्मनी में।